Hey, welcome back. स्वागत है आपका इस चैनल में जहां बात करते हैं स्टार्टअप्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर। तो आज का केस स्टडी कुछ इस प्रकार का है कि हाई परफॉर्मेंस टीम किस तरह से जनरेट करे। किसी भी स्टार्टअप्स है तो उसको हाई परफॉर्मेंस टीम जनरेट करना बिल्कुल जरूरी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ पीटर थिल का, यानी कि फाउंडर ऑफ जो पेपाल थे पीटर थिल, उनमें जितने भी जो शुरू में जो अपने टीम हायर किए थे, टीम जो बनाए थे, इतना मजबूत था कि आज वो पीटर थिल पेपाल को जब बेचे उसके बाद भी उनका जितना भी मेंबर्स है आज ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि उन्हीं के टीम के मेंबर ने येल्प बनाया, यामर बनाया, लिंक्डइन बनाया, यूट्यूब बनाया, और भी बात करूं इलॉन मस्क भी पेपाल के ही मेंबर थे, जिन्होंने तो नाम ही हटा दो उनका, स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलार सिटी, हाइपरलूप, इस तरह से और बहुत सारा क्या क्या नहीं बनाया, स्टारलिंक। तो ये फाउंडर जो है या फिर किसी भी स्टार्टअप्स के लिए, किसी भी बिजनेसमैन के लिए हाई परफॉर्मेंस टीम जनरेट करना बहुत जरूरी है किसी बिजनेस के लिए। तो और भी मैं बात कर लूँ, जैसे रिचर्ड ब्रांसन की, वो कहते हैं कि ट्रेन योर टीम सच अ वे दैट एनीवन कैन गिव देम 2x सैलरी दैट यू गिव, यानी कि अपने एम्प्लॉय को इस तरह से ट्रेन करो, इस तरह से ट्रीट करो, इस तरह से मैंने उसको समझाओ बुझाओ कि वो दूसरे जगह कहीं नौकरी करने जाए तो उसको दोगुने में रख ले कोई भी कंपनी। और अगर आप इसे डर रहे होगे कि अगर मैं इसे दो गुने ट्रेन कर दूंगा दूसरे जगह चले जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय भी सोचता है, आदमी का साइकोलॉजी भी कहता है कि वहां आने के बाद उसका खुद का ग्रोथ हुआ है, और खुद का ग्रोथ होने के कारण से वहां पे ज्यादा चांस है, और लव और अफेक्शनेट बना के साथ रखना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय के साथ, तभी हम स्टार्टअप्स को, किसी बिजनेस को आगे खड़ा कर सकते हैं। आपको तो पता ही होगा टाटा में जाने के बाद जो है मैक्सिमम लोग, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो फिर से वहाँ पे कंपनी को क्विट करके चले जाते हैं, क्योंकि उसका जो कल्चर इस तरह से तैयार किया जाता है, प्रोसेस इस तरह से तैयार किया जाता है ताकि वहाँ का आदमी जब एक बार आ जाता है तो जल्दी जाने की नाम नहीं लेता है। इसी तरह से और भी मैं आपको बता दूँ केस स्टडी के ऊपर, तो आप जो एम्प्लॉय को हायर करते हो, आप उनका जो टीम का मेंबर है उसको पता होना चाहिए कि उसका फ्यूचर आगे बढ़ने वाला, उससे मैनेजर से, जनरल मैनेजर से वाइस चांसलर से फिर सीईओ, फिर इस तरह से उसका पद बढ़ने वाला है। उसका जिस तरह से उसका हर दिन का मैप तैयार करो आप, कि आज का कितना प्रोग्रेस है, कल का कितना प्रोग्रेस था, अपनी टीम में पता चलना चाहिए कि कौन सबसे हायर परफॉर्मेंस ऑफ द डे हुआ, हायर परफॉर्मेंस ऑफ द वीक हुआ, हायर परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ हुआ, तो इसके बारे में पता चलेगा तो हर एक आदमी कंपटीशन में लग जाएगा, और कंपटीशन लगने के कारण से आपका बिजनेस खुद का ग्रोथ होगा। आप इसके बदले में आप इंसेंटिव भी प्रोवाइड कर सकते हो अपने एम्प्लॉय को, इससे क्या होगा, इससे उसमें और इंथुजियास्ट होगा काम करने के ऊपर। और फिर से और भी केस स्टडी के ऊपर आता है, जैसे हेलीकॉप्टर लैंडिंग, यानी कि रैदर कि आप दूसरे जगह से किसी को ले आओ सीईओ, कोशिश करो कि अपने टीम के मेंबर, अपने टीम के हाई परफॉर्मर टीम ऑफ द वीक, ऑफ द वीक ले लो या फिर ऑफ द मंथ ले लो, हाई परफॉर्मर टीम ऑफ द ईयर ले लो, तो उसको बेटर रहेगा सीईओ के पोजीशन पर रखना, क्योंकि आप उसका उसके बाद स्किल और विल दोनों बढ़ा देते हो, और उसके बाद उसको सीईओ के जब पोजीशन पे भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि टीम के मेंबर ही समझेंगे कि नहीं, यह मेहनत किया है और इसी कारण से इसको सीईओ के मेंबर मिला है। जबकि अगर आप हेलीकॉप्टर लैंडिंग से करोगे, जैसे कि नोकिया भी किया था, अब जब उसका बिजनेस डिसरप्ट हो रहा था तो उसने सोचा कि मेरा सीईओ ही गलत है और दूसरे सीईओ को लिया, जिसके कारण से और दूसरा सीईओ भी आके कुछ नहीं कर पाया और उसका बिजनेस और भी तो डाउन गया ही। तो इसे मैटर करता है कि आप जिसको हायर करते हो, आपका जो जो एम्प्लॉय है उसको ही आप धीरे से धीरे धीरे प्रमोशन करते रहो, उनको पता चलना चाहिए उसका ग्रोथ क्या है, अगर ग्रोथ नहीं होगा तो वो कहीं क्यों रहेगा आपके पास। और भी मैं बात कर लूँ तो ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेशन, यानी कि आपके कंपनी में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। वैसे बिजनेस कॉर्पोरेट में होता क्या, ग्लास डोर यानी सेंस नो फेवरेटिज्म, यानी कि आप किसी भी कोई एम्प्लॉय का फेवरेट नहीं कर सकते, किसी भी कंपनी में दिक्कत क्रिएट करता है, किसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि फेवरेटिज्म के कारण से, तो आपका हर एक एम्प्लॉय इक्वल है आपके लिए, क्योंकि ऐसे समझेगा तो आपके लिए वो जान भी दे देगा, आपके लिए वो बहुत मेहनत से काम करेगा। वैसे और भी मैं बात करूँ तो फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, कोई भी आपका मेंबर काम कर रहा है, उसको सिग्निफिकेंस होना चाहिए। उसको आप इन्फॉर्म मत करो, उसको आप इन्वॉल्व करो अपने टीम में। इन्फॉर्म करोगे तो वो काम नहीं भी करेगा, लेकिन उसके साथ इन्वॉल्व कर लो। कोई गलती कर रहा है तो उसको मनाओ, कोने में आके बताओ यार तुम यहाँ से गलती कर रहे हो, सामने में मत करो, किसी टीम के साथ मत करो कि तुम वहाँ पे गलती कर दिए, तुम उसको अलग बुला लो, अब केबिन में बुला लो उसको, उसके बाद बताओ कि यार यहाँ पे गलती हो रहा है, ठीक हो जाए, तो इससे वो सुधार भी कर सकता है। आप सबके साथ अगर मेंबर भी यार तू गलती कर रहा है, तो फिर वो सुधार नहीं कर पाया, उसे कंपनी भी छोड़ के आप जा सकता है। तो आपको
लीडरशिप स्किल होना बहुत जरूरी है इसके लिए। लाइक टू विन यानी कि लोग जीतना चाहते हैं, आप उसे एक प्रमोशन दो, दूसरे प्रमोशन, तीसरे प्रमोशन दो, कि आप ये काम कर लो तो ये मिल जाएगा, ये काम कर लो तो ये मिल जाएगा, इस तरह से आप कर सकते हो और इस तरह से भी आपका हाई परफॉर्मेंस टीम जनरेट हो सकता है। तो फिलहाल तो आपने इस वीडियो में जाना कि किस तरह से हम हाई परफॉर्मेंस टीम जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपका क्या प्लान है हाई परफॉर्मेंस टीम के ऊपर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दिए, शेयर भी कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।